नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइड विद पांचाल में। बैक टू बैक वीडियोस की सीरीज में हम लोग लेके आए हैं एक नॉइस की ओरिजिन स्मार्ट वॉच। इसके वीडियोस हमने पहले भी कई डाले हैं, आज हम इसका रिव्यू देंगे एक महीने के बाद। इस वॉच का हम रिव्यू एक महीने के बाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हमने देखे हैं जो कि अनबॉक्सिंग के थे, परंतु एक्चुअल में ये वॉच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार की वॉच है, इसका ओरिजिनल रिव्यू क्या है, तो आज उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले वॉच की बात करूं तो वॉच कुछ इस प्रकार से आती है। इसके बेल्ट हमने यहाँ पर चेंज किए हैं, आप 22mm में कोई सा भी वॉच स्ट्रैप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो जो वॉच है थोड़ी सी हैवी आती है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी जो है इस वॉच की बहुत ही अच्छी, आप देख पा रहे होंगे स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर राउंड देखने को मिलता है। साइड में आपको कुछ कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। कटआउट्स के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रॉपर यहाँ पर ब्रांडिंग है वो है नॉइस की, और नॉइस ओरिजिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ नॉइस के बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये आपको कुछ चार्जिंग के पॉइंट मिलते हैं। वॉच किस प्रकार से ऑन ऑफ होती है सबसे पहले मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ, फिर इसी वीडियो में आपको इस वॉच को हम ऑन करके दिखाएंगे। इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, इस वॉच को आपको यहाँ से बंद करने के लिए आप देख पा रहे पावर ऑफ यहाँ पर इस वॉच का ऐसे हो जाता है। तो करते हैं इस वॉच का बूट अप। तो बूट कैसे करना है, तो आपको उसी बटन को वापस से प्रेस करना है बूट्स करने के लिए। तो वापस ही आप प्रेस कर रहे हैं और आपको लिख के आएगी आप ब्रांडिंग नॉइस की, आप देख पा रहे हैं नॉइस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही प्यारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिस प्रकार से वॉच देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूँ फर्स्ट बूट में आप देखाएंगे यहाँ पर जो है आपका ये वॉच फेसेस की बात करते हैं, तो आप इस क्राउन के माध्यम से आप जो फेस हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका जो है छठा आप यहाँ पर कस्टमाइज करके आप लगा सकते हैं कुछ भी। एमोलेड की डिस्प्ले की बात करें तो आपने डिस्प्ले बहुत सारे देखे होंगे, ये एक एपेक्स डिस्प्ले के साथ आने वाली स्मार्ट वॉच है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगती है, और कंपनी का कहना है कि ये फर्स्ट ऐसी वॉच है जो कि एपेक्स एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलती है वाकई, क्योंकि इसके जो इसकी डिज़ाइन है आप देख रहे हैं एक बार, ये अल्टीमेट लगता है ये वॉच पहनने के बाद अपने रिस्ट पे, आप इसको आसानी से पहन सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और बात करें इसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो देखने को आपको मिलता है आपको ये बटन मिलता है, इस बटन से आप अपने स्पोर्ट्स मोड आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं आपने क्या क्या स्पोर्ट्स करा है, और यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार सेटिंग बदल कर आप विभिन्न सारी आप यहाँ पर अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो जो इंडिकेटर्स है इसमें आपको सारे मेजरमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर विक्स मिलते हैं, इसमें अलार्म डाटा, हार्ट रेट वगैरह, स्ट्रेस, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, ब्रेथ, वेदर, वाइट क्लॉक वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। राइट स्वाइप करने पर हार्ट रेट का ऑप्शन मिलता है, इसके बाद ब्लड ऑक्सीजन, इसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग, इसके बाद स्ट्रेस, इसके बाद आपके वही वापस से आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर से आप नोटिफिकेशन सेट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, नीचे जाएंगे तो आप इसको देखने का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पर ब्राइटनेस के 5-6 पॉइंट मिल जाते हैं, आप देख पा रहे हो कितनी ब्राइट हो गई है, और सनलाइट में ये बिल्कुल विजिबल होता है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको AOD का ऑप्शन वगैरह सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग की बात करूँ तो सेटिंग में ब्राइटनेस, रिंगटोन, वाइब्रेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और बहुत अच्छी वाइब्रेशन है इसकी, हैप्टिक बहुत अच्छे हैं, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके हैप्टिक कैसे हैं, बहुत ही प्यारा हैप्टिक्स है। और यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर बैक कर सकते हैं। इसके बाद गेजर ऑप्शंस की बात करें तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसका एक बार UI देखिए, UI बहुत ही प्यारा है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, AOD के 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक यहाँ पर लास्ट में आता है आपका फोर्थ, जो आप चारों लगा सकते हैं। एक्टिवेशन टाइम आपको 24 आवर्स देखने को मिल जाता है। मेन मेन्यू की बात करें तो 4 प्रकार की मेन मेन्यू है, एक स्केटर भी यहाँ पर दिया गया है, स्केटर में ऐसा कुछ होता है। एक बार देखिए आप, जब से एप्पल मार्केट में आया है धूम मचा दिया है, सभी कंपनियों ने अपना अपना स्केटर बोल के, तो ये वही सारी चीज़ें हैं आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही प्रीमियम लगता है ये वॉच। अब ये बात करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कि वॉच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए देखिए वॉच आपको 5000 रुपये के आसपास मिल रही, तो बिल्कुल आँख बंद करके इस वॉच को आप ले सकते हैं, बिकॉज 5000 की रेंज में ये वॉच वन ऑफ द बेस्ट अपने डिस्प्ले के लिए जानी जाएगी, अपनी पीक ब्राइटनेस के लिए जानी जाएगी, अपनी जो मॉनिटरिंग है इसकी, हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह जो इसके सेंसर्स हैं बहुत ही परफेक्ट काम करते हैं, और जो वॉच का UI है वाह, मतलब इतना स्मूथ चलता है ये UI, आप देखिए एक बार UI देखिए एक बार, क्राउन वर्किंग है और बहुत अच्छी कॉलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। IP68 रेटिंग के साथ आपको ये वॉच देखने को मिलती है। मैंने इसको स्विम भी किया है, अपने इसके रिस्ट में पहन के इसको मैं नदी में भी गया हूँ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इस वॉच की। यदि आपको वॉच पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।